यदि हम सिर्फ 10 साल पीछे जाए तो स्टेज फोर लंग कैंसर को एक यूनिवर्सली फेटल बीमारी मानी जाती थी, यानी कि यह ऐसा माना जाता था कि जिस पेशेंट को स्टेज फोर लंग कैंसर हो गया उनकी लाइफ सिर्फ 8 से 9 महीने है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। क्या मॉडर्न थेरेपी से इस फेटल इलनेस से मोर देन 5 ईयर सर्वाइवल पॉसिबल है? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंद गुप्ता, MBBS MD और DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर है वो जानते हैं कि हम लेटेस्ट कैंसर के इलाज और लेटेस्ट कैंसर रिसर्च डिस्कस करते हैं जिससे पेशेंट और लंबी और हैप्पियर लाइफ जी सकते हैं। तो मेरे से अक्सर एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर, ऐसे पेशेंट भी होते हैं क्या जो स्टेज फोर कैंसर के साथ कई लंबे पीरियड ऑफ टाइम यानी 5 साल 6 साल 7 साल भी जीते हैं? तो ऑफकोर्स इसका आंसर यस है। मॉडर्न कैंसर टेक्नोलॉजी ने यही मिरेकल साबित कर दिया है कि जिस पेशेंट का कैंसर स्प्रेड या इनक्योरेबल है उसमें भी बीमारी सालों के सालों तक अच्छी तरह कंट्रोल की जा सकती है विद मिनिमम साइड इफेक्ट्स। तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम एक केस रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये हमारे एक ऐसे लंग कैंसर पेशेंट थे जिनको जो मॉडर्न लंग कैंसर ट्रीटमेंट्स है, जो कि आज के जमाने में बहुत सारी न्यू ट्रीटमेंट्स है, जब ये ट्रीटमेंट्स इंडिया में अवेलेबल होनी शुरू हुई थी उसी टाइम इन ट्रीटमेंट्स का फायदा उठाया था और एक बहुत लंबा सर्वाइवल पाया था। तो दोस्तों, 2013 की बात है जब हमने हमारे पेशेंट से हम पहली बार मिले थे। तो पेशेंट हमारे पास आए थे कंप्लेंट ऑफ खांसी, बलगम में खून और छाती में पेन के साथ, और बाहर उसका एक्सरे हुआ था जिनमें देखा गया था कि लंग में एक मास है यानी कि ट्यूमर है। तो पेशेंट हमारे पास उसके ट्रीटमेंट के लिए आए थे, हमने उस ट्यूमर की बायोप्सी करी और उस ट्यूमर का पेट स्कैन कराया, जिससे अनफॉर्चुनेटली हमें रियलाइज हुआ कि एक फैला हुआ ट्यूमर है। पेट स्कैन में बीमारी देखा गया कि छाती में पानी था और उस पानी की टेस्टिंग में ट्यूमर सेल पॉजिटिव थे, जिससे हमें रियलाइज हुआ कि ये एक स्टेज फोर लंग कैंसर है जो कि लंग्स के पानी में फैल चुका है। बायोप्सी में एक तरह का लंग कैंसर आया जिसको नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर बोला जाता है या एडिनोकार्सिनोमा, और पेशेंट को उस समय बड़ा डर था कि मेरा प्रोग्नोसिस बहुत खराब है, मेरे को स्टेज फोर लंग कैंसर है, मेरी लाइफ सिर्फ आगे 6 से 8 महीने है और मैं मर जाऊंगा। तो उस टाइम पे कैंसर की जो नई ट्रीटमेंट की न्यू टेक्नोलॉजीज है लंग कैंसर में धीरे धीरे परकुलेट होनी स्टार्ट हो गई थी, और उस टाइम पे पेशेंट की जब हमने ट्यूमर की स्पेशल जेनेटिक टेस्टिंग करी यानी कि ट्यूमर के जीन्स निकाल के उनको टेस्ट किया, तो ये रियलाइज हुआ कि पेशेंट को एक स्पेशल तरह का लंग कैंसर है जिसको EGFR म्यूटेंट लंग कैंसर बोलते हैं। तो दोस्तों, EGFR म्यूटेंट लंग कैंसर एक स्पेशल तरह का लंग कैंसर होता है जो कि करीब 25% लंग कैंसर पेशेंट में होता है। ये मेनली नॉन स्मोकर्स में और फीमेल्स में होता है, परंतु मेल्स में भी और ओल्डर एज के लोगों में भी ये टारगेट मिल सकता है। तो पेशेंट बहुत लकी था क्योंकि उस टाइम ये इस तरह के जेनेटिक टेस्ट और इस तरह की टारगेटेड थेरेपीज हमारे कंट्री में अवेलेबल होनी जस्ट शुरू हुई थी, और हम ये देख के बड़े खुश हुए और पेशेंट को हमने रीअश्योर किया कि एक, उसको कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है, उसको सिंपल गोलियों से यानी टारगेटेड थेरेपी से हम ट्रीट कर सकते हैं, और दो, उसका सर्वाइवल नॉर्मल पेशेंट से ज्यादा होने की आशंका है। परंतु जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, पेशेंट का आउटकम इतना अच्छा था कि ओवर टाइम पेशेंट भी बिलीव नहीं कर पाए कि उनका कितना लंबा और अच्छा सर्वाइवल रहा। तो दोस्तों, पेशेंट का टारगेट के लिए हमने टारगेटेड थेरेपी शुरू करी। आप हमारा टारगेटेड थेरेपी का वीडियो देख सकते हैं जिसमें आप इस थेरेपी के बारे में जान सकते हैं, बट बेसिकली हमने पेशेंट को एक टैबलेट दी जो कि ट्यूमर के स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन को हिट करता है ताकि उसको इफेक्ट बहुत अच्छा है और साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं है। तो पेशेंट दिन में एक बार एक टैबलेट लेता था और कोई दवाई नहीं लेता था। कैंसर के लिए वो अपनी शुगर बीपी की दवाइयां लेते थे पर कैंसर की और कोई दवाई नहीं लेते थे। हमने जब पेशेंट का 3 महीने बाद पेट स्कैन कराया तो 2 आवर सरप्राइज एंड पेशेंट सरप्राइज, हमने देखा कि ट्यूमर पूरी तरह डिसअपीयर हो चुका था और पेशेंट का स्कैन एसेंशियली नॉर्मल था। सब्सिक्वेंटली पेशेंट हमारे पास हर 3 महीने आता था और हम उसका टाइम टू टाइम स्कैन भी करते थे, परंतु पेशेंट के स्कैन में कोई बीमारी नहीं थी। पेशेंट अपने जॉब पे वापस गया, वो अपने नॉर्मल लाइफ जीते थे और नॉर्मल फैमिली लाइफ, नॉर्मल वर्क लाइफ। इनफैक्ट पेशेंट के एक सन US में रहते थे और वो अपने सन के पास 6 महीने रहकर भी आए बिना कोई प्रॉब्लम और बिना कोई मेजर साइड इफेक्ट के। पेशेंट को बस एक साइड इफेक्ट होता था, उसको चेहरे पर बीच बीच में एक्ने के स्पॉट्स आते थे और छाती में भी आते थे, जिसके लिए वो उसके ऊपर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते थे और वो ठीक हो जाता था। अदरवाइज पेशेंट को कोई कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट जैसे हेयर लॉस, डायरिया, वॉमिटिंग, सिवियर फिटिंग वगैरह नहीं हुए, बस एक्ने की प्रॉब्लम वॉज दी ओनली मेजर साइड इफेक्ट फॉर दिस पेशेंट। और सबसे अच्छी बात, ये दवाई जब हमने पेशेंट को दी थी तो
तो 2013 में इस दवाई का खर्चा अराउंड 20 से 25 हजार महीना था, परंतु आज की ईरा में सेम टैबलेट का कॉस्ट सिर्फ करीब 2000 से 3000 रुपए महीने का कॉस्ट रहता है। तो पेशेंट ने सरप्राइजिंगली टू एवरीबडी सरप्राइज 3.5 साल सिर्फ टारगेटेड थेरेपी की गोलियां खाते हुए निकाली। 3.5 साल बाद जब उन्होंने पेशेंट का पेट स्कैन कराया तो देखा कि पेशेंट की कमर में यानी स्पाइन की हड्डियों में, लिवर में और लंग्स में मल्टीपल स्पॉट्स थे, यानी कि बीमारी वापस आ गई थी और टारगेटेड थेरेपी काम करनी बंद हो गई थी, जो कि कई बार देखा जाता है। कई टारगेटेड थेरेपीज ऐसी होती है जो कुछ टाइम रिमिशन देने के बाद काम करनी बंद करती है और ये ट्रिगर होता है कि हम पेशेंट के लिए अगली थेरेपी ढूंढें। तो दोस्तों उसी टाइम एक नई थेरेपी अवेलेबल हुई थी जो कि मेडिकल रिसर्च से निकली थी, जिसको हम बोलते हैं ऑसिमोडिनिब। ये एक दूसरी तरह की टारगेटेड थेरेपी है जो EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर में काम करती है। जिन लोगों में फर्स्ट जनरेशन थेरेपी फेल हो जाती है उनमें नई थर्ड जनरेशन टारगेटेड थेरेपी का अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। हमने पेशेंट का DNA टेस्टिंग फिर से कराया एंड अगेन पेशेंट में वही म्यूटेशन पॉजिटिव है जो ये नई थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली पेशेंट को वो ट्रीटमेंट हमें देनी पड़ी। गौरतलब है दोस्तों कि उस समय पे ये थेरेपी इंडिया में अवेलेबल नहीं थी और पेशेंट लाखों का खर्चा करके ये दवाइयां अमेरिका से मंगवाता था, परंतु आज के टाइम पे यही मेडिसिन इंडिया में इजीली अवेलेबल है और इसका खर्चा करीबन 15,000 रुपए महीना के करीब होता है। तो पेशेंट ने गोली ली और अगेन 3 महीने में उसका डिजीज फिर से रिमिशन में चला गया और पेशेंट का करीब 1.5 साल तक उसको एक सेकेंड रिमिशन मिला, जिससे पेशेंट की बीमारी फिर से कंट्रोल हो गई। 1.5 साल के बाद पेशेंट हमारे पास सांस फूलने और वेट लॉस की कंप्लेंट के साथ आया और हमने फिर से स्कैन कराया तो अगेन हमने देखा कि उसकी बॉडी में ट्यूमर के मल्टीपल स्पॉट्स है। तो इस पॉइंट में चूंकि हमारे पास और कोई थेरेपी नहीं थी तो हमने पेशेंट को कीमोथेरेपी ऑफर करी। कीमोथेरेपी में पेशेंट को ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं हुए, उसने अच्छा टॉलरेट करा, बट कीमोथेरेपी का असर उस पेशेंट को अराउंड 9 से 10 महीने ही मिला और अनफॉर्चुनेटली 10 महीने बाद पेशेंट का निधन हो गया। तो दोस्तों इस स्टोरी की एक नेगेटिव एंडिंग है, पर इस स्टोरी का एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि एक पेशेंट ऐसा जिसको सिर्फ 8 से 9 महीने का प्रोग्नोसिस दिया जाता था, उस पेशेंट ने ऑलमोस्ट 6 साल की लाइफ एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत करी, जिसमें वो सिर्फ दिन में गोली खाता था, ना ज्यादा उनको कोई साइड इफेक्ट होता था, ना कोई परेशानी होती थी। एक नॉर्मल फैमिली लाइफ, एक नॉर्मल वर्क लाइफ और एक हेल्दी लाइफ एक पेशेंट व्यतीत करता आया है, और ये रिजल्ट है वेरियस न्यू थेरेपीज और मेडिकल रिसर्च का, जो कि आज के जमाने में हर पेशेंट पा सकता है। इनफैक्ट यदि यही पेशेंट हमारे पास 2013 की जगह 2020 में आते हैं तो हम इनका सर्वाइवल और भी लंबा कर सकते थे। कैसे? नंबर वन, आजकल रिसर्च ये शो करती है कि थर्ड जनरेशन ड्रग फर्स्ट जनरेशन ड्रग के फेल होने की वेट करने के बजाय यदि शुरू में दे दिया जाए तो डिजीज कंट्रोल और सर्वाइवल और भी लंबा होता है। नंबर टू, आजकल नई तरीके हैं जिनसे टारगेटेड थेरेपी को दूसरे टारगेटेड थेरेपी यानी डुअल टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी यानी टारगेटेड इम्यूनो कॉम्बो या इम्यूनोकीमो यानी टारगेटेड इम्यूनो एंड कीमो कॉम्बो के रूप में इन पेशेंट्स में दे सकते हैं, जिससे सर्वाइवल और भी लंबा किया जा सकता है। और थ्री, वेरियस क्लिनिकल ट्रायल्स यानी रिसर्च ट्रायल्स अवेलेबल है जो कि फ्यूचर की यानी जो अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स के ड्रग्स है उनकी रिसर्च अभी से कर रही है और पेशेंट्स को वो ट्रायल ज्वाइन करने का मौका दिया जाता है ताकि वो और भी बेटर आउटकम पा सके। तो मैं यदि 2020 में हमारे पास ऐसे कोई पेशेंट आते तो इट इज वेरी पॉसिबल कि ऐसा पेशेंट और भी लंबा सर्वाइवल रखे और उसका 8, 9, 10 और इवन मोर सर्वाइवल हो, और काफी आशा है हमें कि किसी ना किसी पॉइंट पे एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स को क्योर्ड यानी जड़ से इलाज भी माना जा सकता है। तो दोस्तों यही हमारा लेसन है हमारे सारे कैंसर पेशेंट्स का टू ऑल आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आप अपने स्ट्रगल में अकेले नहीं है, मेडिकल साइंस स्पीडली प्रोग्रेस कर रहा है और इट इज पॉसिबल कि चाहे आपका कितना ही खराब और कितना एडवांस स्टेज हो आपकी एक लंबी और एक नॉर्मल लाइफ हो सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूं। हमारे चैनल का मेन पर्पज है कि मेडिकल साइंस में जो भी लेटेस्ट मेडिसिन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट रिसर्च है उनकी भाषा में हमारे इंडियन कैंसर पेशेंट्स को डिलीवर की जाए ताकि वो बेस्ट से बेस्ट कैंसर का आउटकम अपना पा सके और अपनी बीमारी के बारे में और अच्छी जानकारी पा सके। यदि आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिए। हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो बनते हैं वो यूजर रिक्वेस्ट से बनते हैं, यानी कि टाइम टू टाइम चैनल पर पॉल हम डालते हैं जिसमें पेशेंट खुद वोट कर सकते हैं कि वो कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। यदि आप इस पॉल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अगेन चैनल सब्सक्राइब करके अगले पॉल में वोट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।